स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 का हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले पीरियड में शुरू किया था। हमारा पार्ट कौन सा है? वर्ण विच्छेद, है ना। वर्ण विच्छेद में हमने आपको बताया था कि वर्ण विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद मतलब वर्ण आपको बताया थे, वर्ण मतलब अक्षर, है ना। विच्छेद मतलब अलग करना, वर्णों को अलग करना। तो अब वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। लेकिन जब हमारा ये पहला लेसन है वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद में आपको बताया गया था कि वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों के अतिरिक्त शब्द के प्रत्येक वर्ण और उस पर लगी मात्रा को अलग करके लिखा जाता है ना। वर्ण तो वही होता है। वर्ण विच्छेद करते समय हम क्या करते हैं, जो व्यंजन व्यंजन के साथ स्वर मिले रहते हैं ना, उनको अलग करते हैं। हर शब्द के व्यंजन व्यंजन को, व्यंजन से बने शब्द को हम क्या करते हैं, स्वर के साथ भी वो व्यंजन बने रहते हैं और स्वर को उस व्यंजन से अलग करते हैं। तो व्यंजन लिखते समय हम क्या करते हैं कि जैसे क, तो क लिखेंगे, कमल लिखेंगे, तो ये सारे व्यंजन हैं, कमल, है ना, सारे व्यंजन हैं। तो इनमें हम क्या क्या जोड़ेंगे, अ, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, अ। मतलब जब हम वर्णों को अलग करते हैं तो व्यंजन होगा क, क में हलन प्लस अ, क म ल। तो ऐसे म को भी होगा, ऐसे ही ल को भी होगा, है ना। इसमें अ अ अ लगेंगे क्योंकि इसमें कोई मात्राएं है ही नहीं। हाँ, जहाँ पर मात्राएं बिना स्वर के व्यंजन है ही नहीं, है ना, ये सभी लोग जानते हैं। और व्यंजन को जब हम वर्णों को अलग करते हैं तो उसमें स्वर जो लगे रहते हैं वो मात्राओं के रूप में, स्वर को हम इस रूप में देखते हैं, मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ में, है ना, जब ये शब्द तैयार होते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको कल भी समझाया था, कल भी बताया था, यहाँ मैंने कुछ लिखा है तो इसको समझ लेते हैं पहले कि वर्ण विच्छेद करते समय जब हम वर्णों को अलग करते हैं, है ना, वर्ण विच्छेद करते समय जिस वर्ण पर अनुस्वार, अनुस्वार मतलब जो पॉइंट लगा रहता है, जो अनुस्वार लगा रहता है, अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार के स्थान पर उससे अगले वर्ण का पंचम अक्षर। देखिए ध्यान से समझना है आपको, अनुस्वार के स्थान पर उससे अगले वर्ण का पंचम अक्षर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है शब्द कंठ, कंठ शब्द लिखा मैंने, क के ऊपर बिंदु है, अनुस्वार है, तो वो शब्द क्या हुआ, कंठ। कंठ शब्द में अनुस्वार लगे, तो उसमें क्या होता है, कंठ शब्द में अनुस्वार लगे क वर्ण के बाद क्या आता है, ठ वर्ण। अब आप बोलोगे मैम ये ठ कहाँ से आया, तो कंठ, है ना, क के ऊपर पॉइंट है, अनुस्वार है और फिर ठ शब्द। और ठ के बाद क्या होता है, जो वर्ण विच्छेद में ठ जो वर्ण आया है, जो ठ वर्ण आया है, वर्ण ठ वर्ण का पंचम अक्षर, ठ वर्ण का पंचम अक्षर न होगा, न प्रयोग किया जाएगा। अब उसमें कैसे, अब पंचम अक्षर कौन कौन से हमने, हम देखते हैं क ख ग घ अंग, ये पहला वर्ग है, च छ ज ज अंग, सॉरी च छ ज ज ई, ये दूसरा वर्ग है, फिर ट ठ ड ढ न, ये तीसरा वर्ग है ना। ऐसे जो हम, मैं इसके बाद बताऊंगी आपको, जो वर्ग आते हैं उस वर्ग में जैसे क की लाइन एक हो गई जिसमें पांच वर्ण हैं, है ना, फिर च की लाइन एक हो गई वो दूसरा वर्ग है, उसमें भी पांच वर्ण है, तो उसका पांचवा वर्ण, उसका पांचवा वर्ण क्या होगा, ठ का पांचवा वर्ण क्या होगा, ट ठ ड ढ ई। पांचवा वर्ण कौन सा होगा, न, न कौन सा, बाण का, तो न प्रयोग किया जाएगा। अब कंठ शब्द में जैसे हम पांचवा शब्द कैसे यूज करेंगे, सब लोग ध्यान दें, हम जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हमने ये वर्गों का विभक्तिकरण नहीं देखा था, है ना, लेकिन यहाँ पर हम, हमें उस वर्ण को कैसे पांचवी वर्ग से अलग किया जाता है ये ध्यान में देना है। क्यों, क्योंकि अनुस्वार लगा हुआ है और उस अनुस्वार को हम यहाँ पे वर्णों में, जब हम वर्ण भी चेक करते हैं तो उसमें वो चेंजेस पाए जाते हैं, वो वर्ण अलग किए जाते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पे कंठ दिया आपको, कंठ शब्द लिख
न और न हलन, क्योंकि वो भी व्यंजन है इसलिए उसके नीचे हलन आएगा। न प्लस थ प्लस अ। अब आप बोलोगे मैम न में न प्लस अ क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो अनुस्वार के रूप में हमने देखा कंठ है ना, इसलिए वो अधूरा है। वो वर्ण वो व्यंजन यहाँ पर अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि वहां पर हमने अनुस्वार के रूप में उसे लिया। तो अनुस्वार कंठ कंठ जब बोलते हैं तो हम उसका वर्ण विच्छेद जब करते हैं तो कैसे करोगे? क हलंत प्लस अ प्लस न हलन, न मान रहा है ना, न हलन प्लस ठ हलन प्लस अ। ये आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन के नीचे ही हलंत लगता है, व्यंजन के नीचे ही हलंत लगता है, स्वरों के नीचे नहीं, क्योंकि स्वर उनको पकड़ के रखते हैं जब जाके वो पूरे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, उनको अलग करते हैं, तो हमें स्वरों को अलग करना ही पड़ता है ना। अब यहाँ पे दिया है आपको दम्भ, यहाँ पे क्या दिया है? दम्भ। दम्भ शब्द में दोनों भी व्यंजन है, द भी और ध। तो यहाँ पे जो ये भी हम ये समझ सकते हैं कि द प्लस इयम, इयम क्यों आया, क्यों आया यहाँ पे दम्भ में? ये आया क्या? नहीं, यहाँ पे ये इयम नहीं आया है ना। दम्भ है ना, इसमें म का उच्चारण होता है, इसमें क्या होता है? म का उच्चारण होता है। और दो शब्द बताएंगे चंचल में कैसा पांचवा वर्ग आता है, यहाँ पे दम्भ का उच्चारण क्या आएगा? म। तो अब इसका पांचवा द का पांचवा वर्ण क्या हुआ? म। द का पांचवा वर्ण क्या हुआ? म। दम्भ हम बोलते समय भी हमारे उच्चारण कैसे निकलता है? म शब्द का उच्चारण अंदर से निकलता है ना, जो अनुस्वार के रूप में हमें दिखाई देता है। ऐसे के एग्जांपल और देखती हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए, इसको देखिए दम्भ है ना। लेकिन ये याद रखना है आपको कि जब भी हम अनुस्वार वाले जो शब्द हैं उसको जब हम अलग करते हैं, जैसे कंठ शब्द दिया क और ठ शब्द है ना, उसके क के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन जो ठ शब्द है बाद वाला शब्द उसका पांचवा वर्ण हमें लेकर उस अनुस्वार का उच्चारण हम करते हैं और यहाँ पे वर्ण विच्छेद में उसका उच्चारण किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसके बाद वाला और बताते हैं। क्योंकि म का जो उच्चारण है दम्भ
डर के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ, घ का पंचम अक्षर हुआ, यानी बाद वाले जो शब्द है, बाद वाला जो वर्ण है उसका पंचम अक्षर हमें लेना होता है, ठीक है, वर्ण विच्छेद। अब है यहाँ पे चंचल, चंचल शब्द से देखो, च हलन प्लस अ प्लस इया प्लस च हलन प्लस अ प्लस ल हलन प्लस अ। अब चंचल तो सेकंड शब्द वर्ण कौन सा है, च, वर्ण कौन सा है, च। तो च का क्या होगा, च का पांचवा वर्ण क्या होगा, च का पांचवा वर्ण होगा इया। एक मिनट, हाँ, तो चंचल शब्द से हमने देखा कि चंचल का दूसरा वर्ण क्या है, च ही है, तो च का पांचवा वर्ण क्या हुआ, इया, क्या हुआ, इया। तो चं च ल उसका हमने वर्ण विच्छेद किया, तो उसमें हमने देखा च हलंत प्लस अ प्लस इया प्लस च हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत और अ, तो ये क्या हुआ, चंचल। यानी हमें जो सेकंड वर्ण है उसका पांचवा वर्ण लेना होगा, है ना। उसके बाद अंक क्या लिखा, अंक, तो अंक में अ प्लस, क्योंकि अ खुद स्वयं है, स्वर है ना, लेकिन उसके ऊपर बिंदु है, उसके ऊपर क्या है, बिंदु है, तो वो क्या होगा, अ प्लस अंग प्लस अंग प्लस क प्लस अ। क अंक, तो क शब्द सेकंड है, उसका पांचवा वर्ण क्या होगा, अंग, है ना, इसलिए हम अंग का अनुस्वार कहाँ लगाते हैं, अ पर, तो वो क्या हुआ, अंग, वो क्या हुआ, अंग हुआ। तो ऐसे ही हमें ये भी शब्द है कंपन, है ना, कंपन शब्द का क्या हुआ, बैटरी बन रहा है, क्यों लो इसकी। महर्षि